यह स्कूली बच्चा जो ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर का छात्र है, घर से स्कूल जाने के लिए आया, लेकिन स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने के कारण यह था कि जिस दिन वह स्कूल आया पूरा ड्रेस पहन के नहीं आया था। स्कूल के नियम के मुताबिक उसे स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। पुनः वह घर वापस जाने लगा, लेकिन घर नहीं जाकर कहीं और चला गया। बच्चे का नाम अंकुर कुमार, उम्र 12 वर्ष, बच्चा स्कूल ड्रेस में है। 29/5/24 को स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह घर वापस नहीं आया। वहीं वह जेपी चौक लक्ष्मी सागर का रहने वाला है। आपको बताते चले कि यह बच्चा कहीं दिखाई दे तो अभिभावक का मोबाइल नंबर 9708545368 पर सूचना दे सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के जो सचिव हैं उनसे हम लोग ने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि बच्चे के खोज के लिए हम प्रशासन के साथ साथ अपने स्तर से दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी हमने पोस्टर लगा दिया है। यह बच्चा जो है सो अपने घर से निकला, लेकिन अब स्कूल जाने के लिए घर से निकला लेकिन स्कूल नहीं पहुंच पाया। ये मामला दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। पुलिस को भी आवेदन दे दिया गया है, पुलिस भी अपने स्तर से छानबीन कर रही है। आइए सुनाते हैं इस संबंध में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के जो सचिव हैं उन्होंने मीडिया को दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। ये ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल है। एक मामला प्रकाश में है कि यहाँ एक बच्चे स्कूल आए थे, लेकिन स्कूल के बाद वो घर नहीं पहुँच पाए। क्या पूरा जानकारी है आपके पास? हमको जो उनके अभिभावक के थ्रू मालूम हो जानकारी मिला कि मेरा बच्चा नहीं है, तो बच्चा को हम लोग अपने कैमरा में भी सारा देखा गया, तो बच्चा को अब्सेंट पाया गया। अब्सेंट था बच्चा, और फिर उसको जो सूचना उनके गार्जियन और हम लोग अपने अति से सूचना जो है थाना को दिया गया है, और उसमें अब थाना आगे का और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खोज रहे हैं बच्चा कहाँ निकला। तो कई कैमरा में देखा गया है तो बच्चा स्कूल से जाते हुए दिखा है, 7:27 में भी आगे स्कूल के आगे जो कैमरा सब है उसमें जाते हुए देखा गया है। उसके बाद वहाँ से बच्चा का फिर आगे इंक्वायरी चल रहा है, पुलिस कर रही है, और हम लोग भी स्कूल प्रशासन भी अपने स्तर से अभिभावक को मदद कर रहा है। और सारे अभिभावक से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चा को टाइमली स्कूल आने के लिए उनको कहें और टाइमली अपने घर बच्चा चल जाए, जो माँ बाप को भी सुविधाजनक बात है। और हम लोग अपने तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं कि गार्जियन को मदद कर रहे हैं कि बच्चा को कहाँ गया उसको खोजा जा रहा है। जो स्कूल का नियम है, नियम में जो ड्रेस और जो उसका कोड है उस हिसाब से बच्चा नहीं आया तो स्कूल में अंदर बच्चा इन ही नहीं कर दिया, गेट पर से ही लौट के गया कि लौटा दिया गया या लौट गया? नहीं, अपने स्वयं लौट गया। एक ही बच्चा नहीं, कम से कम 15-20 बच्चा लौट गया। तो वो अपना ड्रेस कोड नहीं पहना हुआ था, यही कारण है? अब उतना चूंकि हम उस वक्त वहाँ पर थे नहीं, 15-20 बच्चा जो है वो रिटर्न हुआ है, चूंकि स्कूल का गेट बंद था तो बच्चा वहीं से रिटर्न हो गया। तो जो यहाँ का जो मोहल्ले में भी कैमरा है, स्कूल का भी कैमरा है, सब चेक किया गया है, तो बच्चा आगे जो है मोहल्ला के आगे जाते हुए दिखा है, वहाँ पेप्सी एजेंसी के कैमरा में भी दिखा गया है, फिर जाते हुए फिर वहाँ के बाद कुछ दूर जाता है उसके बाद दिखता नहीं है, ठीक है। फिर उसको रिटर्न में जो है यहाँ वो विनोद भैया उनके कैमरा में देखा गया 7:27 में, समझे, और स्कूल का टाइम 7 है। स्कूल ड्रेस में। अच्छा, बच्चा किस क्लास का था? 6 का था। इसी बार अप्रैल में उसका एडमिशन नहीं हुआ है, मात्र हमको लगता है कि 35 दिन क्लास किया है, 24 तारीख में स्कूल खुला ही है। मान लीजिए नियम तो नियम है, क्या नियम का पालन सभी को करना चाहिए? अगर बच्चे अगर स्कूल ड्रेस में नहीं आया तो क्या है कि उसे स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। सर को नोटिस होता है, नोटिस के बाद जो है अगर बच्चा आता है तो उसको, इसलिए मतलब कि अब एक ही बच्चा की बात थोड़ी है, वहाँ 10-15 बच्चा था। अपने प्रयास से सारा थाना को मदद कर रहे हैं, गार्जियन को मदद कर रहे हैं, और पता चला कि
जितना हम लोग से मदद हो पाएगा कर रहे हैं मदद, बच्चा मिलेगा ही ना, मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ही ना।